मुंबई की कांदिवली पुलिस ने लेडी चोर गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग कपड़े के गोडाउन से कपड़े चुराकर फेरी वालों को बेचा करती थी। चोरी करने के लिए ये महिलाएं डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करती थी, जिससे आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया जाता था। चोरी का समय रात का तय हुआ करता था। ये है मुंबई की महिला चोर गैंग, जो गोडाउन से महंगे महंगे कपड़े चुरा कर उसे सस्ते दामों में बेचकर पैसे कमाया करते थे। वारदात को अंजाम देने के लिए इन महिलाओं ने चोरी से डुप्लीकेट चाबी बना ली थी और उसी का इस्तेमाल चोरी के लिए करती थी। ये सभी महिलाएं गोडाउन के अगले बगल की ही रहने वाली हैं। गिरफ्तार महिलाओं का नाम रेणु त्रिवेदी, प्रतिमा तिवारी, परमेश्वरी पांडियन, विमला करकांति, शीला मिश्र है। दरअसल कांदिवली के लालाजी पाडा स्थित एक गोडाउन में महंगे महंगे कपड़े तैयार और डिजाइन किए जाते हैं, वहीं उस इलाके में महिलाओं की ये गैंग भी रहा करती थी, जिसने मौका देखते ही रात के वक्त चोरी करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की अधिक जांच जारी है। सर, आपल्याकडे 5-6 महिलांना अटक करण्यात आली, नेमकं काय प्रकरण आहे, कशा संदर्भात त्यांना अटक केली आहे आणि कोण आहे? कांदिवली पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा क्रमांक 273/17 दाखल आहे। त्यामध्ये एका गोडाऊनमधून ड्रेस मटेरियल, फॅब्रिक अशा प्रकारची चोरी झालेली आहे असं निदर्शनास आलं होतं। त्यामध्ये त्या परिसरातच राहणाऱ्या 5 महिलांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांनी बनावट चावीचा वापर करून 10-15 दिवसाच्या कालावधीमध्ये माल चोरीला नेलेला आहे असं निदर्शनास आलेलं आहे। त्यांना आज कोर्टामध्ये प्रोड्यूस करण्यात आलं। दिनांक 24/7/17 त्यांची पोलीस कस्टडी रिमांड देण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। ह्या आजूबाजूला राहणाऱ्याच महिला आहेत। इतर जो तपास आहे, कशी चावी आली वगैरे, त्याबाबत आता पोलीस कस्टडी रिमांड देण्यात आलेली आहे, त्याप्रमाणे तपास सुरू आहे।